तो अभी ऊपर आ चुके हैं, कुछ इस तरीके का व्यू है नासिक सिटी का। और बाकी हम पहाड़ पर तो ऊपर जाने ही वाले हैं, और ऊपर मंदिर भी है, मंदिर के भी दर्शन आपको कराएंगे। फिलहाल आए हैं हम लोग ऑटो से, इस रास्ते से आए थे, काफ़ी अच्छी चढ़ाई थी। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ऊपर जाने के लिए चढ़ने का नंबर लगा दिया है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, कच्चा रास्ता है बिल्कुल, और चढ़ाई है, टोटल चढ़ाई है। ये है कुछ ऐसे रास्ता है यहाँ पर, इधर से हम लोग आ रहे हैं और इधर हम लोग जा रहे हैं। चार लोग आगे हैं और हम पीछे, टोटल 5 people are going। ये है मंदिर, यहाँ पे हमको जाना है, और इसकी खड़ाई काफ़ी चढ़ी लग रही है देखने में। ये एकदम खड़ी चढ़ाई बताया गया है, 150 सीढ़ियाँ हैं, और जो कि सीधे ऊपर मंदिर तक ले जाती हैं। तो इन पर चढ़ने की शुरुआत कर दी है, बाकी साइड में कच्चा रास्ता, और इस साइड भी कच्चा रास्ता है। सामने लोग बैठे हुए हैं और हम लोग चल दिए, मैं सबसे पीछे, बाकी सब लोग आगे। तो फटाफट से ग्रुप में पहुंचते हैं। ये थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हम चढ़कर आ चुके हैं ऊपर, और ये है कुछ नासिक शहर का नज़ारा। चढ़ाई बहुत खड़ी है, चढ़ने में आ रही दिक्कत, क्योंकि चढ़ाई है खड़ी, बहुत रुक रुक के जाना पड़ रहा है। और समय शाम के 4:56 यानी कि 5 बज चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले ऊपर। मंदिर ये रहा, ये हमारे महानुभाव जो कि मांगी तुंगी में हमारे साथ गए थे आराम फरमाते हुए, और हम आ रहे हैं पीछे पीछे। तो आपको कैसा लग रहा है पार्टी? बहुत अच्छा। चढ़ना, चढ़ाई कैसी लगी वहाँ से, सरल या कठिन? सरल है बिल्कुल, कुछ नहीं है। फिर आप बैठे क्यों हो? तो आराम किया हमने। अच्छा जी, महाराज जी यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, खड़ी चढ़ाई, आप देखो कैसी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो चुका है, हार्ट बीट बढ़ गई है बहुत ही तेज, और सीढ़ियाँ एकदम खड़ी। बाकी मंदिर आ गया ये रहा, तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है इसीलिए पकड़ कर चढ़ने के लिए दोनों हाथ पर रेलिंग लगाई गई है। फ़ोन चलाने के लिए सलाह नहीं दी गई है, क्योंकि सीढ़ियों से आप फिसल सकते हो फ़ोन चलाने के चक्कर में, और सीढ़ियों की चढ़ाई है खड़ी, तो बहुत नुकसान हो सकता है आपका अगर आप फिसलते हो तो, इसीलिए फ़ोन वगैरह चलाने की बिल्कुल मनाही है। फिर भी हम चल रहे हैं काफ़ी सावधानी और सेफ्टी के साथ। ऐसा डायरेक्ट मत चढ़ो, है ना, बीच में एक छोटा टुकड़ा भैया को ले ले, ऐसा एक उधर एक इधर, एक इधर एक आराम से, ज्यादा देर टीडी लिया तो मत ज्यादा बैठ। पहली बार देखो आज चढ़ रहा है उसके उसके तुम्हारी थी नहीं होड़ कर लेंगे बाबू जी। हां यही सामने सिद्धि क्या है, देखो हम पहुंच गए सीधे। ओए बाबू, अरे नया यार क्या डर रहा है, चल फटाफट देख उनको, देख माता जी को। हां यार तुम ऐसा कह रहे हो, हम लोग देसी नहीं बोल लो, देसी देसी की
अच्छा हाँ तो तीसरी बार है हिम्मत करके तो आया, फिर क्या तोड़ते हो? चौथी बार आने का नीचे उतर रहे हैं सभी लोग हंसी मजाक करते हुए, क्योंकि कठिन कार्य हो गया खत्म, अभी वापसी का रास्ता अपनाना है। डायरेक्ट पहुंचो नीचे, अरे गलती कर रहे हैं क्यों रे? रेलिंग पे बैठा ऊपर सरक के जाओ, रेलिंग पे बैठ जाओ है सीधे नीचे। बंदर को डोलते यहाँ आए थे, दो बंदर लिया बग्गी पबजी वाली। प्योर पहाड़ काट कर बनाई गई है। अच्छा बताइए, इधर देख के बताइए, रुकिए सर, मिट्टी का पहाड़ है जो आप बोल रहे हो ना, सरासर झूठ बोल रहे हो, पब्लिक को इस तरह गुमराह ना करो, नहीं मोबाइल में घुस घुस के काट दो। और कोई ज्ञान देने वाला हो तो जरूर आए अवश्य आए कैमरे के सामने। ऐसा नहीं यार, गिरा गिरी आ जाएगी, अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि तीन बस के लोग यहाँ ऊपर जा रहे हैं मंदिर पर दर्शन करने, बस आई है तो तीनों बसों के लोग ये चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, हम भी उतर रहे हैं। अब चढ़ने में तो ऊपर नहीं देखा जा रहा था, लेकिन उतरने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और पसीना भी नहीं आ रहा, चढ़ते समय बहुत ही पसीना आया। और अभी नीचे जाके सभी लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा। अभी बीच पहाड़ में से हमने यू टर्न ले लिया है और सीढ़ियाँ एक साइड हैं और हम दूसरी साइड जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और है तो टंकी सी रखी हुई है पानी की, चल रहे हैं हम लोग, एक टंकी रखी है पानी की, यहाँ पे कैसा एरिया है क्या है देखते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे रास्ते हाइकिंग टाइप, और हाइकिंग का किया गया है मना, हाइकिंग का किया गया मना, फिर भी हम कर रहे हैं हाइकिंग अपने रिस्क पे। आप आए तो आप भी कर सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे, टोटल मना है। यहाँ पे जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और ये लोग वाग चढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिसलने का काफ़ी डर, इसीलिए हम स्लोली स्लोली उतर रहे हैं। एक और सलाह आपको देना चाहेंगे कि चप्पल पहनकर आने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चप्पल पहन के आना हो सकता है घातक नुकसान हो सकता है, आप फिसल सकते हैं। देख लो हमारी हालत क्या, और हम भी फिसल रहे हैं। देखो ये रास्ते में बड़े उड़ खाड़े हैं, खावड़ है, देखो घुमाओ कैमरा घुमाओ, देखो कितनी गहराई है, नीचे बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, देखो इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ के उतरने की कोशिश। वैसे एक बात तो है, इस पहाड़ पर आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं, कहीं से भी जनता कहीं से भी चढ़ने को तैयार है, कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई इस तरीके का व्यू है यहाँ पर, ये गरीबादी जा रहे लोग हाइकिंग भी कर रहे हैं, सीढ़ियों से भी जा रहे हैं, पानी गिरता है। और भाई साहब कुछ इस तरीके का वॉल पेपर टाइप यहाँ पानी आता है, व्यू आ रहा है, रास्ता ये रहा, सामने जो ट्रक खड़ा है, बस 10-20 कदम और हम भी पहुंच जाएंगे नीचे हाइकिंग करते हुए। और आप सभी को विशेष रूप से सलाह है कि जूते अवश्य पहनकर आए, चप्पल पहनकर या सैंडल पहनकर आने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि यहाँ पर फिसलने के चांस नहीं, लोग वाग फिसल ही रहे हैं, हम भी कई बार फिसले लेकिन बच गए, काफ़ी संभल संभल के उतर रहे थे इसलिए। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं देखिए, इनसे पूछते हैं, अरे है एक बार फिर से करें, क्या बात है, बचपन याद आ रहा है इनको, बचपन की उम्र में वो। चलिए नीचे आ चुके हैं और यहाँ से ऑटो पकड़ के या फिर पैदल पैदल, वो पता चलेगा अभी क्या हमारी टीम जो डिसाइड करने वाली है, जो लोग हमारे साथ साथ में आए वो लोग,
ये लोग जो भी डिसाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। हो सकता है हम पैदल जाएं, ये बसें खड़ी हुई हैं, गाड़ी कार बाइक वगैरह भी खड़ी हुई हैं, इनसे भी हम जा सकते हैं आ सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये रास्ता है इधर बस के पीछे दिखने लग रहा है, चलते हैं। अरे अंदर उतार दो।